हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम सुदामा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना ड्रीम इलेवन में टीम बना के कैसे मैच खेल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है या इसे डाउनलोड नहीं किया है तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका लॉगिन होगा, उसके बाद ही इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, और जिन्होंने पहले से लॉगिन कर रखा है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये मैचेस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए अपकमिंग मैचेस में क्या दिखाई दे रहा है। ड्रीम इलेवन का मैच है आज 2 घंटे 40 मिनट बाद। ठीक है, और इसमें मेगा प्राइस 15 करोड़ का है और किस किस का मैच ये सब दिखाई दे देता है, यानी दिल्ली और किंग्स इलेवन पंजाब का है। ऐसे ही नीचे दिख रहा है इंग्लिश टी ट्वेंटी ब्लास्ट, इस तरीके से मैचेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन से मैच में खेलना है। और आपको ऊपर और सा ऑप्शन मिल जाता है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल और उसके बाद सॉकर। ठीक है, तो ये सब दिखाई देता है। तो हम आपको क्रिकेट में दिखाने वाले हैं किस तरीके से टीम बनाना है। तो चलिए सबसे पहला ही मैच हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दिल्ली वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे कॉन्टेस्ट सब दिख जाता है। ठीक है, और इसके बाद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको जो भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा इसमें गारंटीज कर सकते हैं 61% बंदे जीतेंगे, उसका फर्स्ट प्राइज क्या 1 करोड़। और ये देख रहे हैं ये जिस पे भी लगा हुआ है तो उसमें अगर ये खाली भी रह जाता है ये कॉन्टेस्ट तभी ये मैच होगा। ठीक है, भरे ना भरे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको नीचे कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये जो स्मॉल लीग है इनमें वो टिक नहीं है, मतलब ये कैंसिल भी हो सकता है मैच। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 35 वाला कॉन्टेस्ट खेल के दिखाऊंगा, यानी कि बुक करके दिखाऊंगा। तो इसमें मैं आपको 35 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव पॉइंट्स कैसे बढ़ता है, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे खेलना कैसे है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप सीधा ज्वाइन पे भी क्लिक करते हैं ना तो आपको टीम क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो इससे अच्छा है पहले आप टीम क्रिएट कर लीजिए। देखिए मैंने एक पहले टीम क्रिएट कर रखा है लेकिन मैं आपको एक न्यू टीम क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने टीम क्रिएट पे क्लिक किया। सो गाइस, टीम क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो मुद्दा है कि इसमें आपको दोनों टीमों के 22-25 बंदे जो होंगे उसमें से 11 को सिलेक्ट करना है। एक टीम से आपको मैक्सिमम 7 कर सकते हैं, मिनिमम 4। ठीक है, आपको 100 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा, उस क्रेडिट पॉइंट में से ही आपको खरीदना है, मतलब आपको चूज करना है। ये देखिए एक प्लेयर का क्रेडिट पॉइंट उसके सामने लिखा रहता है, ठीक है, 9.5, ये सब क्रेडिट पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको 100 पॉइंट में सिलेक्ट करना है। अब मान लीजिए आपको नहीं आता है कि कैसे हम सिलेक्ट करें, तो यहाँ देखिए ऐप से लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं आपको हेल्प मिलेगा। जैसे ही आप ऐप से पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन से प्लेयर को किसने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसके बाद और यहाँ पे लिख रहा है कि 24 टीम दी गई है 17 एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे गेट स्टार्टेड ऑन fancode.com, एफ सी का मतलब है फैन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 24 टीमें दिखाई जाएंगी जिससे कि आप चाहें तो अपनी टीम में लगा सकते हैं। ये देखिए ये टीम है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इसका टीम दिखाई दे देगा और इससे आपको हेल्प मिलेगा। बस मैंने आपको हेल्प कैसे मिले ये मैंने आपको बताने के लिए दिखाया है। ठीक है, तो हम बैक चलते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ से टीम देख लेते हैं आप लिख लीजिए नाम उनका, और मान लीजिए उसमें सबसे पहले केएल राहुल था तो केएल राहुल प्लस करेंगे, इस तरीके से ऐड होता जाएगा। आपको 1 से 4 विकेट कीपर लेना होता है, ठीक है, 3 से 6 बैट्समैन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, ऑलराउंडर 1 से 4 करना होता है और बॉलर 3 से 6, टोटल मिला के 11। ठीक है, तो हमने एक केएल राहुल को किया, एक निकोलस पुरान को करते हैं, इसके बाद हम शिखर धवन कर लेते हैं, इसके बाद क्रिश गेल कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या जो मैंने आपको बताया एफ सी कोड से यहाँ पे जो आपको 17 या 24 टीमें दिखाई जा रही थी उसमें से कोई एक टीम बना के यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं श्रेयस अय्यर एंड पृथ्वी शॉ। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, अक्षर पटेल, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा जिमी निशन को, इसके बाद गौतम को एंड सॉरी किम पॉल को कर लेते हैं। इसके बाद बॉलर में आपको बचे कितने यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे ग्रीन हो गया, यानी कि 8 आपने सिलेक्ट कर लिए, टोटल 11 करना, 3 बचे हुए हैं। अब कगिसो रबाडा कर लेते हैं और इसके बाद मुजीबुर रहमान और इसके बाद लमिचाने कर लेते हैं, ठीक है, या अमित मोहम्मद शमी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जॉर्डन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप टीम प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपके कितने बंदे हुए हैं, केएल राहुल और ये दोनों विकेट कीपर हो गए, ये चारों बैट्समैन हो गए, ये दोनों ऑलराउंडर हो गए, ये तीनों जो हैं आपके क्या हो गए बॉलर हो गए। ठीक है, कट कर देंगे। ठीक है, और आप ये नहीं है कि अगर आपने एक बार टीम क्रिएट कर लिया तो उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, टीम एडिट भी कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कैप्टन केएल राहुल एंड वाइस कैप्टन, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा पृथ्वी शिखर धवन को, सेव टीम पे क्लिक कर दिया। ठीक है,
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिए, और या तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको टीम ज्वाइन करना होता है, ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अगर आप पहली बार खेल रहे हैं, देखिए मेरे पास दो टीम है तो कोई एक दिखा रहा है, तो हमने अभी ये वाला टीम बनाया था, टीम टू से हम ज्वाइन करेंगे। टीम वन अगर एक ही टीम होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टीम वन से करेंगे ज्वाइन पे क्लिक। अगर आपने पहली बार अकाउंट बनाया हुआ तो आपको 100 रुपये रेफरल मिलेगा, और अकाउंट बना रहे हैं तो आप रेफरल से भी मेरे जा सकते हैं, जिससे आपको 100 रुपये खेलने के लिए रेफरल मिल जाता है, तो ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे सिंपल सा। अब देखिए 25 रुपया तो मेरा क्या होगा, 25 रुपया मेरा रेफरल होगा, और टोटल 35 का है, और 10 रुपये मुझे खुद पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप न्यू टाइम पहली बार खेल रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10 रुपये ऐड करने का ऑप्शन आएगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा डिटेल बताया था कि ड्रीम इलेवन खेलते कैसे, उसमें मैंने दिखा रखा है। तो आप यहाँ पे ऐड नाउ पे सिंपल सा क्लिक करिएगा, आपको एक प्रोसेस बताया वो ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से विनिंग मेरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो चुका है, यहाँ पे देखिए माई कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है, माई कॉन्टेस्ट पे क्लिक करके आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और जब आप मैच चालू होगा तो यहाँ पे आपको लीड बोर्ड पे दिखाई देगा कि आपको आपका पॉइंट क्या है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे वो दिखाता है। तो बैक चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लाइव मैचेस दिखाई दे रहे हैं, लाइव मैच पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और माय टीम पे क्लिक करेंगे, माय कॉन्टेस्ट पे कर देते हैं। और यहाँ सो गाइस आपको यहाँ पे लाइव मैचेज और इन रिव्यू, यानी कि अभी मैच थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ, तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ किस तरीके से पॉइंट बनता है, ठीक है। तो माय कॉन्टेस्ट पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको लीडर बोर्ड पर देखिए आपका यहाँ पे रैंक वैंक दिखाई दे देगा, आपका पॉइंट कितना है, जो नंबर वन पे इसका रैंक कितना है, इसके अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे देगा। और जैसे कॉन्टेस्ट डिटेल पे करेंगे तो आपको ये भी दिखाई दे देगा आपको कितना प्राइस मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप भी अपना वो देख सकते हैं कि आप कितने रैंक पे हैं। जब लाइव होगा तो लाइव में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो बैक चलते हैं। और लास्टली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मान लीजिए आपको कोई टीम ऐड करना है, वैसे तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको सिंपली यहाँ पे भी समझा देता हूँ। आप अपने टीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, टीम पे क्लिक करने के बाद इस पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको टीम एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में आया था कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से हटा के दूसरे को ले सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो यहाँ सब्सक्राइब कर दें, कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछें, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।